तो नीचे वो सामने जो बच्चा नहीं दिखा रहा था मैं, वो लटका हुआ था, वो पतंग उड़ाता रहता है यार, हमारे तो किसी काम की नहीं है, तो इसी को पतंग दे देते हैं, वाली उड़ा ही लेगा कम से कम। गाड़ी देख के, अरे तुम मत टकराना गाड़ी, आ गई, आराम से आराम से। लो है देखो निकाल रहे, डायना है इसका नाम। बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। अब तुम इसको रोल लिया, तुम ये पतंग कैंडिस पकड़ के देख, इससे तो डर, उठा ले गोदी उठा ले। मैंने इसके इसके पास ये डरो नहीं, वो एक्साइटेड रहता ही है। तो सिद्धार्थ का है ये डॉग, डायना नाम है। नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अरे मैं जा रही हूँ। नीचे ना भाग जाइए, आराम से इसको पकड़ो, गिरेगा वो। तो खुश हो रखा है, अरे यार ये पाल लो यार, इसी की जरूरत है बस। क्यूट है ना वो, एक ही डॉग है बस हमारे पास। पपीज होंगे, दीदी बोल रही थी, फिर एक और भी, इसके जितने पपीज होंगे एक और भी पाल लेंगे। जब इसके पपी होंगे ना तो हमें बताना। देखोगी? चले कितना सही लग रहा है भाई। हाँ हाँ मूला, हाँ कौन मैं नहीं कहीं आ रहा भाई, बात खत्म। मेरा खुद का कुत्ता होगा, मुझे 10 दिन लगेगा उसको संभालने में। नहीं अरे नैना चल ले, हमको पकड़ो तो कोई बांधे। काट लिया इतना, ये सब करेगा मैं कहूंगा बेचारे, इसको भी बना लेते हैं। हाँ ये देखिए मार रहे हैं, अरे मारा जा रहा है। चलो चलो जा बेटा, तुम जाओ, तुम्हारा हो गया। देखो मुझे लग रहा है पड़ोस वाले बच्चे की अटक गई है, निकाल देता हूँ मेरा आखिरी पतंग होगी, बेचारा बहुत देर से कर रहा है मैंने। तो दादी को मैं छोड़ने आ रहा हूँ बुआ के घर पे, क्योंकि दादी कह रही थी यार बुआ के बहुत दिन से नहीं गई, मैं भी नहीं हूँ एक्चुअली, मैं ऐसी वजह से मिल भी लूँगा दादी से, तो बस निकल चलते हैं। चलो ई रिक्शा आ गया, सब जा रहे हैं अपने घर। तो दादी और हम ई रिक्शे पर निकल चुके हैं, मैं सब तो पहुँच के बुआ के घर ही दिखाई। मजा आ रहा है दादी? मजा क्या? तो बुआ ने देखो स्पेशली टिक्की बना रखी है, और ये है किस चीज की भैया बताएंगे? ये टिक्की है किस चीज के आटे की? मक्के की आटी। अब ना भैया को तो पहले भी आप देख रहे होंगे, सोशल वर्कर हैं, काम कर रहे हैं लखीमपुर में बहुत जबरदस्त। और भैया के यहाँ हम आए हुए हैं बुआ के यहाँ, वो बुआ जी का ऑपरेशन हो गया था जैसा कि बताया था पहले ब्लॉग में, अब सही है बुआ जी, दादी भी आ चुकी है। हाँ खा रहा हूँ, आप भी तो खा लो।
यार आधे रास्ते तो भैया ने ही मुझे ड्रॉप कर दिया था, बस पैदल निकल रहा हूँ यहाँ से घर की तरफ, घर पे चलते फिर मिलते हैं आपसे। भैया ई रिक्शा तो आ नहीं रहा, अभी थोड़ा इंतजार में बैठ गया हूँ ये लोग के साथ। आ गई तो आप ले आ थोड़ी, आप गर्म हो जाए फिर निकल जाएंगे। पीछे से ई रिक्शा भी देख रहा है, अगर मिल जाता तो सही है, अभी मिलता तो बैठी है। तेल दे डाल दिया पानी में, अरे 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 बाइक वाले पे डाल देता पानी अभी। हेलो 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 हेलो, आपकी आंखें छोटी छोटी सी हो गई हैं, आप वैसे भी चिंकी दिखती हो वैसे चिपड़ी बेटा मेरा ही है, आप पे नहीं है, अच्छा हुआ मैं अरे नहीं यार मम्मी आप पे गया होता तो मुझे तो लोग क्यूट बोलते हैं, लेकिन अफसोस मैं क्यूट तो कमेंट बॉक्स में लोग बताएंगे, बता देना अगर होंगी तो। बे काली नजर, काली जुबान लग जाती मेरी वजह, मैंने क्या नजर लगाई थी, मैं करता क्या, मैं मिर्च काली मिर्च सोना जलाता हूँ कोने में बैठ के कि वो हो जाए कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज मम्मी ने बना लिया है बहुत जबरदस्त, तो क्या हो गया टोपी के बाद ऐसे ही जाता है। तो मम्मी ने बना दिए यार पराठे, और कौन कौन से पराठे हैं बताता हूँ। देखो एक तो ये है, मम्मी क्या है ये चीज़, कौन गैद की दाल के पराठे। गैद जैसे नहीं पता होगा उसे नहीं पता रहने दो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ऐसे क्या बोलते हैं। वही आलू के पराठे बहुत टेस्टी, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, खा के देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। हाँ ये देखो, अब बता दो कौन कौन से पराठे। ये गैस की दाल का पराठा, ये आलू पराठा बहुत टेस्टी बने हैं, लहसुन की चटनी जो कि खत्म हो चुकी है, इतनी जबरदस्त बनी हुई है। क्या भी होता है वो ठंड लग रही है, मैं तो एहसास दिला रहा हूँ आपको बाहर कितना ठंडा हो रहा है। मेरा रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा हो रखा है। हाँ इसीलिए हो रखा क्योंकि हीटर लगा रखा है। इतना सही स्वेटर बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। भाई इन लोग की बुनाई चल रही है एकदम धक्का धक वाली, बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हाथ, ना आंखें उठ रही हैं ना हाथ रुक रहे हैं। घर घर के लड़के खाना बना रहे हैं, काम मजूरी सब हम ही लोग कर रहे हैं भाई। ना मानो तो देख लो, आंखें भी नहीं उठाएंगे और दोनों लगे हुए हैं देखो। तो यार उस डॉग का नाम था डायना और कितना क्यूट था यार, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि वीडियो बहुत अच्छे से शूट नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरों के हाथ से ऐसी होती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, सर्दी थोड़ी सी बढ़ चुकी है।